हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइज, अभी हम लोग निकले हैं टाउन के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बोली थी कि मैं इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी टाउन, और हम लोग को निकलना था सुबह के मतलब शाम के 3-4 बजे, बट हम लोग निकल रहे हैं अभी 8 बजे, और कुरान खानी ऑलमोस्ट हो गई रहेगी। नहीं, कुरान खानी अभी स्टार्ट होगी नहीं, 8:15 को पहुंच जाऊंगा। उतने तक मैं 8:15 को पहुंच जाओगे, 5 मिनट में पहुंच जाओगे। कुरान खानी जब होगी ना तब तक पहुंच जाऊंगा मैं, क्योंकि लोग ईशा की नमाज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज लंबी होती है, वितर तक पढ़ते हैं, फिर नफिल पढ़ते हैं, आखिर उसके बाद कुरान खाने में बैठते सब, समझे। और कम लोग रहेंगे तो कुरान खानी हो, जैसे जो आधे घंटे में कुरान खानी होती है वो 1 घंटे में होगी, समझे। इतना टाइम है अपने पास, देखते हैं अभी कब तक पहुंचते हैं। और गाइज, एक और एक गुड न्यूज है आज के लिए, बता दूं अभी? बता दूं कि मेरी मम्मी, डैडू और अली आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज 15 दिन ऐसा गया कि क्या बताऊँ, एक एक दिन में मम्मी को याद किया जब जवान की तबीयत खराब थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि पता नहीं, मैं ज्यादा उनको बात नहीं कर पा रही थी, उनको बता नहीं पा रही थी कि जुहान की क्या कंडीशंस है, मैं क्या चीजों से जा रही हूँ, तो मैं उनको नहीं परेशान करना चाहती थी। अब वो आए तो मैं उनको परेशान करूंगी बहुत ज्यादा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, लोग से मिलते हैं और फिर जाते कुरान खानी में। तो गाइस, डड्डू आए थे हम लोग को नीचे लेने के लिए सब सामान वामान के साथ। एंड हाउ इज माय अमावस्या का चांद? अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी। मम्मी गाइस, हम लोग बहुत एक्साइटेड है मम्मी से मिलने के लिए। और ये हमारा गोरा चांद। हाय अली, वालेकुम अस्सलाम। रुक जा रुक जा अली, अली रुक जा रुक जा रुक जा। अरे हट, अली हट, मेरा बेटा। अरे बाप रे, मेरा राजा, ओ मेरे दिल। नानी के पास है ओमो। अरे इतने बड़े सॉक्स, बड़े सॉक्स नहीं है वो, शूज है पागल। मेरी जान है। अरे वाह, क्या मजा आ रही तेरे टकले के साथ खेलने। रुक जा, मैं अंदर आ रही हूँ। गाइस, मेरी मम्मी पिला रहे हैं अभी इसको जमजम वाटर। मम्मी तुमको नहीं पता है ये पानी का दुश्मन है, ये पानी नहीं पीता है। जमजम में वो चीज है ना बेटा, अच्छे से अच्छे लोगों को शिफा देता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा बच्चा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। पियो पियो जमजम पानी पियो, मेरा बच्चा पेट के तकलीफ दे रहे हैं बच्चे को। उसको अभी फ्रूटी दो, माजा दो, वो बराबर पिएगा। नहीं पी रहे पानी वो, पिलाऊंगी। तो मम्मी, इसको डॉक्टर ने बोला है ORS पिलाने, ही पीता नहीं, जरा वो भी पिला देना। सब पिलाऊंगी इसको। यहाँ नजर उतारी जा रही है जुहान की, नानी की जान। देखो नानी की जान निकाल रहा है पूरी। तो गाइज, मम्मी आए हैं और बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं, तो लेट्स डू पंचायत इन दिस गिफ्ट। जैसे कि ये वाला एक मखना जो मम्मी ने पहने, वही सेम मखना इसमें। तो मैं बोली मम्मी मैं ये लेके जाऊंगी। बेटियों का काम होता है कि माँ को लूटे। तेरे लिए लाए को जो लेने का बोले, मेरा गिफ्ट तो ये है। हाँ गाइज, मेरी मम्मी ने मेरे को 4-5 फोन कर दिए कि निकली कि नहीं निकली, निकली कि नहीं निकली, निकली कि नहीं निकली, जल्दी आ जल्दी आ। बोले मेरे को मिलने गए किससे? जुहान से। पूरा दिल मेरा इस पे था, पूरा दिल तक मेरे को इतना वो रहा था, टेंशन में बस दुआ ही कर रही थी, बस मदीने में बैठ के, काबे में बैठ के बस दुआ कर रही थी मेरे बच्चे के लिए, कि उसको तकलीफें दूर हो जाए, तकलीफें मेरे को मिल जाए, मेरे बच्चे की अल्लाह इसको ठीक कर दे बस। आमीन सुई आमीन। मामू के साथ भी खुश हो रहा है, वो उसका टकला देख के खुश हो रहा है कि अरे वाह क्या टकला है, मलाई जैसा। तो गाइस, गिफ्ट वगैरह तो मम्मी बहुत अभी देने को एकदम बेकरार थे। मैंने बोली नहीं, मैं और सुफियान पहले जाते, हम लोग जाकर आते कुरान खानी में, और फिर इंशाल्लाह आप गिफ्ट देना। तो और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी गली से ये डोंगरी के, बिकॉज उरूस है अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह की उरूस है, तो माशाल्लाह पूरी गली सजी हुई है और इतनी रौनक है डोंगरी पे कि कोई हद नहीं है। और लोग प्यारे से फिर अपन आए थे मेले में, गए थे अपन, इस बार नहीं जा पाएंगे। गाइस क्या माशाल्लाह सजी है गली। तो गाइज, हम लोग जाकर आ चुके हैं सना दीदी के घर पर से, और मतलब सना दीदी बहुत मायूस दिख रहे थे, और सब लोग हम लोग ट्राई कर रहे थे कि सना दीदी हंसे, और ऑब्वियसली मॉम है उनके, तो उनको तो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर हो रहा होगा। वो चेहरे पे थोड़ा बहुत स्माइल आ जाती है, बट इंसान को दिली दिल में बहुत सारी चीज़ें बॉदर कर रही है। अभी तो 2-3 दिन सब आएंगे करेंगे, फिर उसके बाद जो मंजर होगा घर में जब लोनलीनेस हिट होता है, वो
वो एक बयान ही नहीं कर सकते बिकॉज मेरी नानी का इंतकाल हुआ था. आई नो हाउ मतलब क्या ट्रॉमेटाइज मैं थी. अल्लाह बस आसान करे उनके लिए. मैं यही दुआ करती हूँ और आप लोग भी दुआ करो क्योंकि सना दीदी का भी डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बोले हैं करने के लिए. तो बस अब सब अच्छे से हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और सुफियान अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी जाएंगे तुम्हारे घर पे. सब लोग आए ना मिलने के लिए, मम्मी से मिलने के लिए. वहाँ जाते हैं और देखते ना क्या क्या है गिफ्ट में. हम लोग आ चुके हैं मम्मी के घर पर और इतने सारे लोग आए मम्मी की मदद करने. माशाल्लाह माशाल्लाह. यहाँ पे बन रहा है हदिया सबको देने के लिए. प्लेट चाहिए. यस. और फायजा आंटी भी आ चुके हैं, रुखसार दीदी भी आ चुके हैं और तनवीर भाई. माशाल्लाह आपको काम करते हुए देख मेरा दिल बाग बाग हो गया. बुट्टा चोर आओ दिन में उठो तो दिखेगा काम करते हुए. और तो और जहीर अंकल भी आए. माशाल्लाह माशाल्लाह. हमारे अमावस्या की चांद का है वो देने गया. अच्छा गए. अरे ईद का तो है ना. ऐसी प्लेटें दे रही हूँ सबको. अरे वाह माशाल्लाह. वो अपने व्लॉग में दिखाओ. बोलो क्या बोल रहे थे तुम? मामा कल्लू मामा. यस. और पीला फुल पीला येलो चेन में मार के व्हाइट शर्ट यहाँ तक बटन खुला. अपन क्या बोल रहे हैं? अपन क्या बोल रहे हैं? गाइस मेरी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा कि किसके लिए कौन से पैकेट निकाल के रखे हुए. पूरा कंफ्यूज हो गए कि किसके लिए कौन सा निकाले. अभी वापस गिन रहे. ऐसा बोले मैं दूध पीता बच्चा हूँ. जिसके नसीब में जोड़ है उसको मिल जाएगा. गाइस आज जब तन्वी भाई रुखसार दीदी घर पर आए थे तो वो अपनी कार लेकर आए थे. जो लोग आगे चल रहे हैं देखो अली ऊपर नाच रहा है. कैसा नाच रहा है अली. और कार में जगह थी एक जन की तो दूसरा इंसान बाइक पे आ सके होगा. बट हम लोग उन्होंने ये सोचे कि हम तो पूरा दिन कार में घूमते हैं. बाइक पे कभी कभार घूमने का मौका मिलता है तो चलो बाइक पे चलते हैं. कभी कभी बैठने वाले. क्या वाली तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे और घर पे आते साथ हम लोग सो गए क्योंकि जुहान सो गया था आते ही. और गाइस हम लोगों को गिफ्ट दिखाने का मौका नहीं मिला आप लोगों को क्योंकि गाइस अभी घर में इतनी सारी चीज़ें हो रही है. बैक टू बैक इवेंट्स तो हम लोग ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि हर जगह नहीं रिकॉर्ड कर सकते ऑब्वियसली गाइस. कहीं कहीं पर प्राइवेसी मैटर करती है. कहीं कहीं पर ठीक है अगर हो सकता है तो कर लेते, नहीं हो सकता तो नहीं करते हैं. ठीक है. और सेकेंड चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ दुआ करिए बिकी संडी की मगफिरत के लिए. और उनका कल ज़ियारत है इंशाल्लाह. तो कल निदा फिर से जाने वाली है. तो मिलते हैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में गाइस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. और आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस. लव यू. अल्लाह हाफिज़.